हाय फ्रेंड्स, रूट टू व्हीलर ऑल इन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैरॉक कंपनी के स्टार्टर मोटर के बारे में। और ये जो स्टार्टर मोटर है वो हॉर्नेट 160 में और यूनिकॉर्न 160 में लग जाएगी। दोनों मॉडल सेम ही रहते हैं, जो सारे पार्ट्स है 160 हॉर्नेट और यूनिकॉर्न हॉर्नेट में सेम ही लगते हैं। तो ये जो स्टार्टर मोटर है वो वैरॉक कंपनी के, और वैरॉक कंपनी जो है OEM सप्लाई में रहती है। तो आप होंडा जेन्युइन की जगह पे आप वैरॉक कंपनी का पार्ट्स लगा सकते हो। आप देख सकते हो ये लेटेस्ट पैकिंग है और इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियन नंबर 1 ब्रांड बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। स्टार्टर मोटर वैरॉक कंपनी की बहुत ही बढ़िया रहती है। आप होंडा या तो बजाज की जेन्युइन की जगह पे वैरॉक कंपनी की स्टार्टर मोटर लगा सकते हो। जब भी ये थ्रेड ख़राब हो जाते हैं तो पूरी स्टार्टर मोटर ही आपको लगानी पड़ती है। दूसरी प्रोडक्ट रहती है, इधर अंदर रहते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश घिस जाएंगे तो आप अलग से लगवा सकते हो, 100 रुपये के आसपास आपको कार्बन ब्रश मिल जाएगा। पूरा सेल ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा तो पूरा ही आपको सेल ही लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो वैरॉक कंपनी का बैजिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टर मोटर यूनिकॉर्न, वैरॉक कंपनी का लोगो है। हॉर्नेट में कुछ इस तरह से स्टार्टर मोटर लग जाती है, इधर पीछे की ओर 2 बोल्ट से लगती है। जब भी आपकी स्टार्टर मोटर ख़राब हो जाए तो आप लोकल ब्रांड की मत डलवाओ, ब्रांडेड कंपनी की ही डलवाओ। NCVC है, वैरॉक है, TVS लुकास है, ये सब ब्रांडेड OEM सप्लाई प्रोडक्ट रहती है। तो आपको प्राइस में भी डिफरेंट मिलेगा और प्रोडक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। वैरॉक कंपनी की प्राइस की हम बात करें तो आप देख सकते हो उसका पार्ट नंबर स्टार्टर मोटर यूनिकॉर्न 160, हॉर्नेट 160 दोनों में सेम ही लग जाएगी। 1603 रुपये में आपको ये स्टार्टर मोटर वैरॉक कंपनी की मिल जाएगी। दूसरा कोई भी पार्ट्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।